हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। आज मैं आपको लेकर आया हूँ फिर से सन मोटर्स लखनऊ, और हम देखने जा रहे हैं हार्ले डेविडसन की न्यू ऑफरिंग 440X एस वेरिएंट। आज हम देखने जा रहे हैं कितना ज़्यादा स्पेशल है ये वेरियंट। चलिए आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, आप अपने सामने देख रहे हो हार्ले डेविडसन 440X मैट ब्लैक कलर में। इसमें विविड और डेनिम वेरिएंट्स भी आते हैं। चलिए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हार्ले डेविडसन 440X के फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में सबसे पहले नज़र आपकी इसके हेडलैम्प सेटअप पे जाएगी। काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फुल LED सेटअप है, बीच में आपको DRLs मिल जाते हैं। हार्ले डेविडसन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके चारों तरफ आपको डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक के साथ काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। पीछे टेल लैम्प भी इसमें आपको फुल LED में ही मिलते हैं। इसके इंडिकेटर्स आपको LED में मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आप हार्ले का लोगो देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। फ्रंट फेंडर आपको मेटल में मिलता है। फ्रंट में आपको 43mm का KYB का सस्पेंशन मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन होता है ये, काफ़ी बड़ी कंपनी है। आप गूगल करके देख सकते हैं। 320mm के इसके बाइबर के फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रेयर में 240mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट में आपको 18-inch का व्हील साइज मिल जाता है। टायर साइज देख लीजिए, 190/18 है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको इस एक्स वेरिएंट में मिलते हैं। आपको इससे लोअर वेरिएंट में नॉर्मल अलॉय व्हील मिलेगा, और जो उसका बेस वेरिएंट होगा उसमें आपको स्पोक अलॉय व्हील्स मिलेगा। इसके हार्ट की बात कर लेते हैं। 440cc का इसका इंजन है, जो मैक्सिमम पावर 27 PS की प्रोड्यूस करता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क 38 Nm का एयर ऑयल कूल्ड इंजन है। रेडिएटर यहाँ फ्रंट में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सिंगल हॉर्न के साथ आती है, हॉर्न की आवाज़ डिसेंट है। पूरा ओपन फ्रेम ये दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रॉ बाइक पूरी लग रही है। सिंगल इसमें एग्जॉस्ट आता है, रॉ आवाज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके रबराइज फुटपैक्स आप देख सकते हो फ्रंट और रेयर के। मेटल में फिनिश इसका लेग ब्रेक देख सकते हैं। 6 गियर शिफ्ट्स के साथ ये आती है। रेयर में आपको सस्पेंशन मिल जाता है, स्विंग आर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा था है। और यहाँ पे आपको गैस चार्ज मिल जाते हैं। 7-step एडजस्टेबल है प्री लोड के लिए। रेयर टायर साइज एक बार आपको मैं बता दूँ, MRF का टायर मिलता है 140/70/17 इसका साइज़ है। टेल लैम्प देख लीजिए, फुल आपको LED में मिल जाएगी। इधर आपको इंडिकेटर भी LED में मिल जाएगा। ये सारा फेंडर आपको मेटल में मिलता है। ये थोड़ा सा एंड पोर्शन आपको यहाँ पे फाइबर फिनिश किया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ नीचे आपको लाइट मिल जाती है, लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, सारी गार्ड मिल जाएगा, जो हमारे इंजन कंडीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्प्लिट में ग्रैब हैंडल्स आपको मेटल फिनिश में मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक लग रहा है। सिंगल सीट इसमें आती है, कुशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने बैठ के देखा है। 5'8" मेरी हाइट है, ऑलमोस्ट 100% नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट मेरा फ्लैट फुटेड है। मैं जीन्स भी पहना हूँ, मे भी इसकी वजह से भी हो सकता है, पॉकेट्स में मोबाइल रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा अपलिफ्ट मिल जाएगा पैसेंजर के लिए, एंड यहाँ पे फ्रंट में आपको ड्राइवर के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी डिसेंट साइज़ है इसका, फुल मेटल फिनिश्ड है सारा पोर्शन। आप इसका टैंक देख लीजिए, मैट ब्लैक में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये फ्यूल कैप देखिए, ब्लैक एंड यहाँ पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया है, काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट कर रहा है। E20 कंप्लाइंट है, यहाँ आप देख सकते हो 13.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और इसका 2.25 लीटर्स का ऑयल इसमें जाता है। एंड गियर शिफ्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 6-speed गियर शिफ्ट इसमें आता है, 1 down 5 up, और साइड सेंड इंजन किल स्विच आता है इसमें, और चेन ड्रिवन है ये। ऊपर छोटा सा फाइबर कवरेज दिया हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट नेकेड है चेन। एंड इसमें कोई भी मेन आपको स्टैंड नहीं मिलता है। बाकी इसके अगर क्लच की बात करूँ तो सॉफ्ट है, आप देख सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे बटन्स की बात कर लेते हैं। फ्रंट में पास मिल जाता है, लो बीम हाई बीम आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से पूरे अपने MID को आप कंट्रोल कर सकते हो। इंडिकेटर है, हॉर्न है,
इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, हजार्ड लाइट बटन है, एसओएस बटन है। एसओएस का मतलब इसमें अगर आप जब भी एसओएस बटन दबाओगे तो हार्ले को एक नोटिफिकेशन जाएगा और इसमें नोटिफिकेशन आप अपने किसी लव्ड वंस का भी सेव कर सकते हो, तो इन टाइम ऑफ इमरजेंसी वो आप तक पहुंच सकते हैं ईजली। टायर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा इसको रफ लुक दिया गया है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन पैटर्न दिया गया है टायर पे। बाकी 170 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, वो भी डिसेंट है। एंड चलिए एक बार आपको मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। पहले उससे पहले चाबी देख लीजिए, बेसिक कीज़ है, हार्ले का लोगो आपको मिल जाएगा कीज़ पे, एंड लॉक सिस्टम यहीं ऊपर मिलेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे वेलकम होता है, ये देखिए साइड स्टैंड रिमाइंडर आ जाता है, हजार्ड लाइट्स ओपन है, वार्निंग्स यहाँ पे सारी आ जाती हैं। लो फ्यूल इस समय दिखा रहा है, डिजिटल फ्यूल है। यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स कितना कवर हुआ है, टाइम आप यहाँ सेट कर सकते हो, ऊपर आरपीएम मीटर है, मैक्सिमम आरपीएम इसका 4000 तक जाता है। एंड बीच में स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डुअल चैनल ABS इस गाड़ी में आता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है कंपनी ने प्रोटेक्शन के लिए। चलिए आपको बीच का डिस्प्ले चेंज करके दिखाते हैं, ट्रिप आप सेट कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो, एंड एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल, ये सब कुछ आप यहीं से सेट कर सकते हैं। आप देख लीजिए टैंक पे हो, यहाँ नीचे आपको ग्रे एंड ब्लैक का स्टिकरिंग किया है ऑरेंज आउटलाइनिंग के साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लैक के ऊपर, ऑरेंज बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है और इस कलर को हर हार्डले वाला ज़रूर पहचानता होगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये फिट एंड फिनिश ये दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक इसका मिल जाता है, कहीं पे भी कहीं कोई एंड लूज नहीं छोड़ा है इन्होंने। चलिए एक बार आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ मैं, लाइट्स आप फ्रंट में चेक कर लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। एंड इसका हाई बीम है और इधर साइड में आप इंडिकेटर्स देख सकते हो, अच्छे से ग्लो कर रहे हैं। आवाज़ सुन लेते हैं हम इसकी पहले, आपने देखा रॉ आवाज़ आती है। पीछे से टेल लैम्प भी आप देख लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम फिनिश है, काफ़ी अच्छे क्लियर ग्लासेस यूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखी है, काफ़ी पीछे से प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, टायर थोड़े ब्रॉड लगते हैं। इसका अगर वेट की बात करूँ तो 190.5 kg का इसका वेट आ जाता है, लेकिन आप जब ये गाड़ी चलाओगे तो आपको वेट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इसके मिरर्स की हम बात करते हैं, रेट्रो लुक है, राउंड शेप में मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियर इसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा, काफ़ी बड़े हैं ये। एंड ब्लैक्ड आउट में इसका बार मिल जाता है, ग्रिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, ना ज़्यादा थिक है ना थिन है, एंड जो बार एंड्स हैं वो आपको मेटल फिनिश दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्वालिटी में कहीं पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ना वायर्स कहीं से बहुत ज़्यादा एक्सपोज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन फिनिश किया हुआ है। ये गाड़ी आज ही आई है शोरूम में, अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास हो तो प्लीज़ सन मोटर्स लखनऊ को कांटेक्ट करिए, इंदिरा नगर फैज़ाबाद रोड पे इनका शोरूम है, डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का एड्रेस डाल दूंगा। तो आइए इस गाड़ी को या इस बीस्ट को कहूँ, छोटे से बीस्ट को हार्ले के आप एक्सपीरियंस करिए एंड इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए। 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स इसकी बुकिंग्स ओपन हो रही हैं फिर से, बीच में क्लोज हो गई थी, इनिशियल डेज के बाद काफ़ी अच्छे बुकिंग्स आ रही हैं, तो प्लीज़ अपने मन चाहे वेरिएंट को बुक कराइए। एंड एक बार मैं आपको गाड़ी पे बैठ के दिखा देता हूँ, 5'8" मेरी हाइट है, आप नीचे मेरा फुट देख सकते हो, फुल फ्लैट फुटेड नहीं हूँ मैं, लेकिन मोर देन 60% मेरा फुट नीचे है, तो मैं ईजली इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, लीन एंगल इसका 36 डिग्री है, चाहे आप लेफ्ट में करिए चाहे आप राइट में करिए। हार्ले डेविडसन 440X के अगर डायमेंशन की बात करूँ तो लेंथ आपको 2168 mm की मिलेगी, सीट हाइट आपको 805 mm की मिलेगी, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm का मिलेगा, व्हील बेस आपको 1418 mm का मिलेगा। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 440cc है ये, और
सिंगल एग्जॉस्ट के साथ आती है, डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है। बाकी आपको इसमें एचडी कनेक्ट की भी सर्विसेज मिल जाएंगी, तो उसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे से अपनी पूरी बाइक की हिस्ट्री एंड सर्विसेज एंड कहाँ पे आपकी बाइक पार्क है, कोई आपकी बाइक को टच कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपनी बाइक को पूरी तरह ट्रैक कर सकते हो। तो कंपनी ने इस चीज़ का इस टॉप मॉडल में ख्याल रखा है, इससे लोअर वेरिएंट में नहीं मिलती हैं ये सारी चीज़ें। एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट, फ़ोन बैटरी स्टेटस, मिस कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट और नेटवर्क स्ट्रेंथ आप देख सकते हो अपने 3.5 TFT डिस्प्ले में। एंड उसमें और भी कई सारे आपको ABS का अलर्ट आ जाता है, हाई बीम इंडिकेटर आ जाता है, उसमें साइड स्टैंड अलर्ट आ जाता है, सर्विस इंडिकेटर अलर्ट आ जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर अलर्ट आता है, न्यूट्रल पोजीशनिंग इंडिकेटर आ जाता है, इंजन चेक लाइट्स उसमें आ जाती हैं, स्मार्टफोन फीचर्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है हार्ले डेविडसन 440X में। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। हार्ले डेविडसन 440X के अगर प्राइसेस की बात करूँ तो इसमें डेनिम विविड और एस मॉडल आता है। आज मैंने आपको एस मॉडल दिखाया है और ये सिर्फ मैट ब्लैक कलर में आता है। इसका एक्स शोरूम प्राइस 2,69,000 रुपीज़ है और ऑन रोड प्राइस आपको 3,30,000 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा लखनऊ में, जिसमें RTO इंश्योरेंस एंड RSA इंक्लूडेड है। RSA लेना मस्ट है। एंड विविड की अगर प्राइसेस की बात करूँ तो 2,49,000 रुपीज़ है और ऑन रोड प्राइस आपको ऑलमोस्ट 3,05,000 के आसपास चला जाएगा। और जो इसका बेस वेरिएंट है डेनिम, जिसमें सिर्फ मस्टर्ड कलर आता है, उसमें का एक शोरूम प्राइस 2,29,000 रुपीज़ है और ऑन रोड प्राइस 2,80,000 रुपीज़ के आसपास जाएगा। उसकी पहचान एग्जैक्टली आप स्पोक व्हील से लगा सकते हो। उसमें सिर्फ मस्टर्ड कलर आता है, विविड में सिर्फ रेड और डार्क सिल्वर कलर आता है एंड टॉप में सिर्फ मैट ब्लैक कलर आता है। सो फ्रेंड्स, हार्ले डेविडसन X440 आपको कैसी लगी, ये वेरिएंट आपको कैसा लगा, क्या इस वेरिएंट में आपको पसंद आया क्या नहीं पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मैट ब्लैक कलर आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। फिट एंड फिनिश बाइक की बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छी इसमें टेक्नोलॉजी दी है, अच्छा एक आपको रॉ फील आएगा, एक रफ फील आएगा। इतने अफोर्डेबल प्राइस में आप हार्ले डेविडसन ओन कर सकते हो। अब आपको 8-9 लाख 10 लाख रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी अच्छी पावर ये देती है, चलने में काफ़ी निम्बल है। आप जब इसको बैठ के देखोगे हो सकता है आपको भारी लगे, लेकिन आप जब इसको राइड करके देखोगे तो आप एग्जैक्टली आप महसूस कर सकते हो इसकी पावर, इसमें कितनी एजाइल है ये। बाकी ये जो रॉ फिनिश मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। हार्ले डेविडसन अपने इस रॉ फिनिश के लिए ही मशहूर है एंड काफ़ी फिश एंड फिनिश मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ऑटो पैशन इंडिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड आज के वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ सन मोटर्स लखनऊ को, जिनका शोरूम इंदिरा नगर फैजाबाद रोड लखनऊ पे है। प्लीज़ यहाँ पे आइए, विजिट करिए एंड इस गाड़ी को चला के देखिए, एक्सपीरियंस करिए इस बीस्ट को, इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, तब आप इसकी एग्जैक्ट कैपेबिलिटी जान पाओगे। बाकी काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे आ जाती है। इसका जो बेस वर्जन है आपको 2,29,000 रुपये का एक शोरूम प्राइस है और जो इसका टॉप वर्जन है 2.69 लाख रुपीज़ का एक शोरूम प्राइस है। तो अच्छे प्राइसेस में अब आ रही है, तो आइए देखिए इस गाड़ी को सन मोटर्स लखनऊ में आके। एंड जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई वीडियो, ताकि इन फ्यूचर में और भी अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। काफ़ी बूस्टर मिलता है आपके सपोर्ट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।